गाइस, तो यार इस टाइप का लिरिक्स वीडियो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा होगा जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अगर आप लोग इस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोग कैसे अपने वीडियो में इस टाइप का लिरिक्स एड कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अगर आपके पास अलर्ट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे एक XML प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा। तो इस प्रोजेक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आप गाइज इस प्रोजेक्ट को अलर्ट मोशन पर इम्पोर्ट करना होगा। तो ये जो यहाँ पे 3 डॉट है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद गाइज यहाँ पे सेंड ए कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे अलर्ट मोशन ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे अलर्ट मोशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइज अलर्ट मोशन पर प्रोजेक्ट इनपुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे अलर्ट मोशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे इस सेट को यहाँ पे कट कर देना है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट इनपुट हो गया। तो ये जो यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोजेक्ट 8, तो सिंपली इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना है। तो चलिए गाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोग कैसे प्रोजेक्ट को यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बैक आ जाना। तो ये जो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को रेशियो को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे 9:16 रेशियो पे करूँगा, मतलब जो यहाँ पे रील्स का साइज है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक करेंगे एंड क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करेंगे। तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए जो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ पे जो म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को प्ले करके दिखना होगा कहाँ तक फास्ट लिरिक्स है एंड वहाँ पर गाइज बीट को ऐड करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज फास्ट लिरिक्स है, तो इस टाइम पे बीट को ऐड करेंगे। तो बीट को ऐड करने के लिए गाइज सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, तो बीट ऐड हो जाएगा, देख सकते हो बीट ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए गाइज 2 बीट को ऐड करके दिखा दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग बैक आ जाना। देन गाइज यहाँ पे इस लिरिक्स प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना होगा जो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके इम्पोर्ट करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए गाइज मैं यहाँ पे इस लिरिक्स को यूज करूँगा, तो इस तीनों को यहाँ पे कॉपी करना होगा। तो कैसे कॉपी करना होगा, तो ऐसे करके यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करना ये जो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, उसके बाद रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 1 कॉपी, इस तीनों को यहाँ पे कॉपी करेंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करना, तो यहाँ पे गाइज कॉपी लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आप लोग बैक आ जाना। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो वीडियो को आप लोग एडिट करोगे, सिंपली उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना। तो यहाँ पे लिरिक्स को ऐड करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आइकॉन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हो लिरिक्स आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे क्लिक करके बीट पे चले जाना एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करके यहाँ पे छोटा कर लेना, मतलब कट कर देना, ठीक है। एंड ये जो गाइज यहाँ पे लिरिक्स है, तो इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे नहीं कट करना है, नहीं तो गाइज टेक्स्ट इफेक्ट खराब हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे मीटर का आइकॉन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना एंड इस पर क्लिक करके यहाँ पे कट करना, ठीक है। अब गाइज इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे जो लिरिक्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज एडिट टेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके गाइज जो यहाँ पे लिरिक्स है उसको यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। चाहो तो गाइज इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसे करके बड़ा कर सकते हो। तो ऐसे करके गाइज आप लोग इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो। चलिए गाइज मैं यहाँ पे और एक बार करके दिखा देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे हम लोग इस लिरिक्स को कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करना एंड यहाँ पे गाइज तीनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। तो कॉपी करके गाइज अपना प्रोजेक्ट पे आ जाना एंड यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे लिरिक्स आ गया। तो यहाँ तक लिरिक्स है, तो इसका लेंथ को यहाँ पे ऐसे करके बढ़ाना होगा।
उसके बाद ये जो लिरिक्स है, इस लिरिक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग बीट पे आ जाना, ठीक है। एंड बीट पे आके यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद इस पर क्लिक करके गाइस यहाँ पे बीट के हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए जो यहाँ पे ग्रुप वन लिखा है, सिंपली इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे एडिट ग्रुप पे आ जाना। उसके बाद यहाँ से आप लोग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, मतलब लिरिक्स को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लोग इसका फुल प्रोजेक्ट चाहते हो तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और नॉर्मल प्रोजेक्ट है डिस्क्रिप्शन पर। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया कर देना एक लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में।